बस करो सब बड़े हो बस जबरदस्त है तोड़ लो चलो अब दूसरी वैरायटी बहुत है यार ये तो चार ही मन के हो जाएंगे ये इसके ऊपर चेक करो फ्रेश इधर आए कोने लगा एक्सपीरियंस चेक कर तोड़ने का भी तो एक्सपीरियंस कर यार ये बड़ा जबरदस्त एक्सपीरियंस है ये देख रहा लाइट रेड है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज वसीम शहजाद, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आई होप कि सब लोग ठीक ठाक जबरदस्त होंगे। इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर लाजमी कर लो। टाइम अभी तकरीबन 10 बजे का हुआ है, सुबह का नाश्ता वगैरह किया है हमने, चाय शाय भी है, नहा धो के अभी हम कहाँ जा रहे हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो कल भी आपने वीडियो देखी थी जिसमें भाई हमने फ़ैन वापस कर दिया था, तो सबने कहा था कि भाई अच्छा किया है आपने फ़ैन वापस कर दिए, कहीं अच्छी और ट्रस्टेड शॉप से लें। तो इंशाल्लाह फ़ैन भी हमने लेने हैं, लेकिन किसी अच्छी शॉप ट्रस्टेड से लेंगे जहाँ से हमें ना फिर वो कॉपर की जगह पर सिल्वर ना मिले, क्योंकि ना और एक थोड़ा सा प्लान में और भी हमने ट्विस्ट डाला है, वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा। लेकिन अभी भाई हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम भाई जा रहे हैं, अच्छा रहने दे चलना बता, तरबूजों के बाग में। तरबूजों का बाग भी होता है, आपने कभी देखा दरख्तों में यहाँ पे तरबूज लगते हैं? तो जा रहे हैं, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है, आपके साथ भी शेयर करते हैं। और आज हमने ना इतने तरबूज खरीदने हैं ना, इतने ना नस्लों ने नहीं देखे होंगे हैं। हाँ चलें जी चलते हैं फिर देखते हैं। नस्लों ने नहीं, आपकी तुम देखे होंगे, हमारी नस्लों ने नहीं देखे होंगे, ठीक है ना। बड़े बड़े तरबूज आज देखने को मिलेंगे, तो लेट्स गो। और चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर जल्दी जल्दी कर लो, ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको टाइम तक पहुंचती रहें और आप भी एंजॉय कीजिए। आने वाले वक्त में सब्सक्राइब का बटन खत्म होने वाला है, तो कर लो यार, वाकई में खत्म हो जाए तो सब्सक्राइब कर लो इससे पहले कि ये मौका आपके हाथ से निकल जाए। अभी इधर में रुका था, यहाँ से ना ये एक सड़क इधर को मुड़ती है, एक सीधे जाती है। अभी ये कन्फर्म नहीं हो रहा कि यहाँ से मुड़ना है या सीधा जाना है, तो ये शॉप वाले के पास रुका था, लेकिन शॉप वाले भाई बैठे नहीं है। दरवाज़ा खटखटाता हूँ क्योंकि आगे चले जाना तो फिर मसला हो जाएगा, तो इनसे पूछ के कंफर्म करके फिर जाएंगे। इधर तो भाई ये है, देखो उनको पीछे घर की तरफ रास्ता है। हाँ जी यही वाला रास्ता है भाई, ये इधर को मुड़ना है। हाँ इधर से रिक्शा आ रहा है। हाँ इधर कोई मुड़ना है। सदाकत कह रहा था कि सीधा जाना है और एक आगे कोई रास्ता आएगा। वाला भी रास्ता वैसे है, उधर से भी आ सकते। वो जो सईदाबाद है एक सीधा इधर मुड़ जाता है पेट्रोल पंप के पास है, उधर से चलें। इधर से ही चलो फिर पता नहीं वो कहाँ जाएगा। एक ये रास्ता मुड़ रहा है इधर की तरफ, एक सीधा जाके फिर कोई आगे भी आता है, तो जो इजी होगा ना वो वाला देखते हैं भाई। मतलब जहाँ तक आपकी नज़र जाती है ना वहाँ तक तरबूज ही तरबूज हैं, और ये हमें अब पता चला कि हमारे करीब में ही है। ये तकरीबन मतलब 20 मिनट की ड्राइव है और यहाँ पे खेत है। ये हमारे हैं एक एम एन ए थी, क्या नाम है उसका? साइमा अख्तर बरवाना, बड़ी फेमस MNA रही है हमारे इलाके की। अब तो खैर नाम उनका आहिस्ता आहिस्ता डिम होता जा रहा है, सारे जो पॉलिटिशियन हैं उनके नाम डिम होते जा रहे हैं पुराने। उनका मैं आपको घर भी दिखाता हूँ, बड़ा ही कोई किला टाइप का बना हुआ है, बड़ा ही आपको यूनिक सा फील होगा। वो सामने नजर भी आ रहा है आपको, यहाँ से तो नहीं आएगा, हमें आ रहा है ना, कैमरे में तो नहीं आ रहा ना, जूम करके दिखा। नहीं भाई पहुँच के दिखाएंगे तसल्ली से। ये भाई किला टाइप का एक बना हुआ है, यहाँ से स्टार्ट होता है वो ढूंढते हैं खेत कहाँ से शुरू होते हैं और फिर लेते हैं। ये आज तरबूज लाल लाल दो टाइप के, एक वो होते है ना जो दो कलर के होता है वो भी है, और एक जो नॉर्मल आजकल बाजारों में मिल रहा है वो भी है, तो दोनों तरह के लेंगे। यहाँ से बस शुरू हो रहा है, देख रहे हो ये अभी एक छोटा गेट है, अभी आपको बड़ा गेट दिखाऊं मैं इसका। लगाई हुई है खजूरें बिल्कुल अरेबिक स्टाइल में, वो जैसे पुराने जमाने के दौर में होती थी। ये भाई सबसे बड़ा गेट है इनका, वो क्या सीन बनाया, लेवल है यार, बादशाहों की तरह इन्होंने किला घर है। ये एक ये घर है भाई, घर का गेट है, हवेली बनी हुई है उसका गेट है ये, ऐसा लग रहा है जैसे शाही किला आ गए। माशाल्लाह भाई अल्लाह ने पैसा दिया है तो उन्होंने शो भी किया है। ये देखें ये हवेली के ऊपर जो छोटे छोटे मीनार बने हुए हैं, बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। ये सारा खेत है इस तरफ, और सिंबल के दरख्त लगे हुए हैं बड़े प्यारे लाइन में, और वो मतलब जहाँ तक आपकी नज़र जाती है, फिर यहाँ गंदम होती है, फिर वो कह रहे हैं कुछ आगे भी हैं। चलें भाई आ जाएं। चलो सर। भाई और ना हाथ रखे
अच्छा भाई चलते हैं देखते हैं क्या सीन बनता है। अंकल कह रहे हैं कि थोड़ा सा लेट आए हो कि माल निकल जाता है ना सुबह सुबह। चल हो गया बंद करवा दे। तो अंकल कह रहे हैं कि ना थोड़ा सा लेट आयो, बड़े बड़े जो थे ना हमने काफी तोड़ लिए, लेकिन ढूंढ लो इंशाल्लाह मिल जाएंगे। मिल जाएंगे ना भाई? जी 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 चलें जी। ये सारा ना भाई एक तीर से दो निशाने मारे हुए हैं। गंदम क्या कहते हैं सॉरी कपास भी काश्त की हुई है, साथ में उसी के अंदर तरबूज भी लगाया हुआ है। मल्टी टास्किंग काम किया हुआ है ये भाई, उनकी अच्छी सोच है। काफ़ी ज़्यादा ना पीछे हम खेत छोड़ के आए हैं तरबूज के, और अभी हम ना एक खेत में पहुँचे हैं जहाँ से हमने तरबूज तोड़ने हैं, और भाई बहुत ज़्यादा लगे हुए भी हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो गए हैं। भाई कह रहे हैं कि ना 2 महीने से स्टार्ट किए हुए हैं। जी जी। और अभी तो कहाँ इम्पोर्ट कर रहे हैं मतलब ये ज़्यादा? ये हर जगह पे जा रहा है, जैसे कराची भी जा रहा है, इस्लामाबाद भी जा रहा है। अच्छा यहीं से जा रहा है? यहीं से जा रहा है भाई। बहुत बड़ा खेत है, तो हम भी ढूंढते हैं अपने पसंद के। भाई कह रहे हैं जिस पे हाथ रखोगे वो हमने तोड़ लेना है, तो फिलहाल तो छोटे छोटे जल्दी रख यार किसी पे हाथ भाई, तो हाथ रख ऐवे ना रख ली। ये देखो इधर ना भाई रख दे हाथ, चल तोड़। नहीं नहीं अजय नहीं आ रहे हैं, खराब नहीं ना तोड़ने, फिर काम भी आए ना। गर्मी भाई कह रहे हैं बहुत पड़ी है, तो मतलब काफ़ी ख़राब भी हो गए हैं और काफ़ी बहुत ज़्यादा पक गए हैं। 2 महीने से डेफिनेटली स्टार्ट हैं, तो इस तरह से तो होगा। ये देखो ये अब ख़राब हुआ पड़ा बिल्कुल, ये फटने वाला हुआ पड़ा, इसके ऊपर मार ये फटेगा पक्का। इतनी गैस बड़ी बड़ी है इसमें। ठीक है सर। हाँ सही है। तोड़ लेते ले, 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 हो गया। वैसे मुझे ना वो उतना बड़े साइज का मिला नहीं है, वो दूसरे वाले सही लंबे होंगे ना, वो लंबे साइज में होते हैं ना, वो वाले देखेंगे। वो जो दो कलर के होते हैं ना वाइट वाला, वो थोड़े से लंबाई में भी होते हैं और साइज भी बड़ा होता है, तो वो पीछे हैं उधर फिर जाएंगे। ये खेत इस तरफ है और सड़क के दरमियान में फिर इस तरफ खेत है, इस तरफ बड़े पड़े हैं। ये वाला मेरे के पड़े हुए बड़ा जबरदस्त, ये देखिए माशाल्लाह भाई सही हो, जबरदस्त ठीक होगा ना भाई? ठीक ठीक है। ये भाई जबरदस्त है, क्या बात है, कमाल। और इधर आ, इधर आ, इधर आ। अच्छा ओए हो क्या तरबूज बड़ा भाई, असल खेत तो ये यार, यहां साथ यार तो नीचे से देख के लावा ना पड़ जाए, जबरदस्त। ये ठीक होगा ना? ठीक है ठीक, ये तोड़ ले फिर, चेक करो ओए काफी सही है यार, बड़ा सारा जबरदस्त। इधर यहां पे ओए होए होए पागल हो जाए देख देख के, ओए होए होए ये बड़े साइज ही ना देखते रह जाए, ठीक भी हो। सुभान अल्लाह भाई जबरदस्त। तो साथ तू हमें कहां पहले नहीं दिखाया, साथ ने पहले छोटे दिखाए कि यहीं से गाल बात बन जाए। ओए यार कमाल, ओए होए इधर चेक करो भाई, इधर देखी जबरदस्त। नहीं भाई ये साइज जबरदस्त है, ये साइज तो इधर आराम से। चल अब ये पकड़, मुझे भी तोड़ने दे, ये ले सारा एक्सपीरियंस दागत खुद ही करी जा रहा है, मुझे भी कोई फील लेने दे कि मैं खेत में आया हूँ। इधर आ ये चेक कर फिर, ओए हो तेरी भाई, ये चेक करो ये सही नहीं है? सही है, हाँ हाँ सही है, जबरदस्त तेरी। ये भाई तकरीबन होगा, तकरीबन 7-8 किलो का होगा जी, जी इतना तो होना भाई ने ना पहले दिखाया ही नहीं है। आगे देख भाई, तो बाकी छड़ देखी मजे लेंदे लेंदे पूरा खेत ना तोड़ी बदे एंड में पता चले पूरा खेत खत्म हो गया। और ये चेक कर इसका मार, लेकिन यार इसका रिस्क है। नहीं नहीं ग्रीन बेल तो ग्रीन ही है, सही है तोड़ ले। हाँ यार बड़ा, इधर देखिए देख ले, क्या हम भी नेक्स्ट टाइम? हाँ तो नेक्स्ट टाइम लगाओ, मेहनत करनी पड़ती है थोड़ी। बड़ा साइज ढूंढो, बड़ा साइज पूरा ड्रम पड़ा है ऐसे लग रहा है। देखी वो यार कैसे हुआ पड़ा है, वो ये फटा पड़ा है, खराब है, खराब हुआ पड़ा है। ओ यार इतना बड़ा है, और ये देखें भाई थोड़ा ही नहीं है, खराब हुआ पड़ा है।
जाती है ये, ये गर्मी की वजह से भाई यार। हाँ ठीक होगा, बस सेहतमंद हो ऊपर से, बस सही है। लेने कितने आप दोने यार, ये तो चार ही मन के हो जाएंगे। हाँ चल वापस दे। हमें नहीं लेने, हम मजे ले जा रहे हैं थोड़ी यार, बस करते हैं, दूसरे भी लेने हैं ना। हाँ एक और देख लेते हैं, फिर ना वो दूसरे खेत में चलते हैं जहाँ से वो वाइट वाले लेने हैं। बहुत बड़े साइज है यार ये भी, फटा यार कितना जाया होता होगा, बहुत जाया होता है, टाइम से तोड़ते नहीं है फिर। चलो अब दूसरी वैरायटी बहुत है यार, ये तो चार ही मन के हो जाएंगे, तकरीबन पांच छह तोड़े हैं, ये तो दो मन पक्का हो गया, ऐसे ही है। चले भाई यहाँ से फिलहाल यही ले जाते हैं और बाकी दूसरे वाइट वाले तोड़ते हैं। अच्छा भाई फिलहाल जो है ना हमने ये तोड़े हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, और यही तकरीबन दो मन के करीब पहुंचा पड़ा है। इतने बड़े साइज़ के ना, आपको कैमरा में शायद छोटे नज़र आ रहे हो लेकिन बहुत भारी और बहुत बड़े बड़े साइज़ के हैं। तो फिलहाल तो ये हो गया, चेक कर क्या लगता है, भारी है ना। अभी दूसरे वाले भी लेने हैं, वो दूसरे खेत में, उधर चलना पड़ेगा हमें। अच्छा भाई ये तुम रख रहे हैं डिग्गी में, कहीं फट ना जाए यार, उनको बोरी में डाल लेंगे तो अच्छा रहेगा आगे, या फिर बिल्कुल फिक्स हो जाए हिले नहीं। अभी दूसरे खेत की तरफ चलते हैं, वहाँ देखते हैं दूसरे कलर वाले तरबूज कैसे हैं। डिग्गी तो इनसे ही भर गई है। जगह ही खत्म हो गई है, थोड़ी सी और बची है, चार पांच तरबूज वो दूसरे रखे जा सकेंगे। उधर से दूसरे मिल रहे हैं ना, उधर ही चलते हैं फिर। अच्छा भाई पहले वहाँ से लेके आए और अब यहाँ पे गाड़ी खड़ी की है, और यहाँ से मिलने हैं हमें जो वाइट वाले कह रहे हैं ना, लाइनें जितने होती हैं, फिर आपको दिखाता हूँ मैं। ये किधर गया, छोटा सा पहले दिखाता हूँ इस तरह के, अब वो देखते हैं फिर पहले की तरह, पहले छोटे ना दिखाएं, जहाँ बड़े हैं ना वहीं ले चल। अभी तो भाई छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं, वो खेत मज़े का था वैसे, जहाँ से तोड़ के लाए हैं। हाँ वो ब्लैक वाले जो लेके आए ना, वो तो भाई बहुत पड़े थे, अब इससे भी बड़े बड़े पड़े थे यार, ये तो बहुत बड़े होते हैं, उनसे भी बड़े होते हैं। माल खत्म हो गया यार भाई, ये देख ये सही है, ये सब सही है, सही होगा तोड़ ले तो। ये चेक करो भाई, ये इनका कलर मुझे बड़ा पसंद है, लाइट लाइट रेड होता है। ये तोड़ के चेक ना करें, तोड़ दो यार ये भाई ना भाई, इधर आए तोड़ने लगा, एक्सपीरियंस चेक कर तोड़ने का भी, तो एक्सपीरियंस कर यार, ये बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। ये देख रहा लाइट लाइट रेड है, ये इसी तरह का होता है, चेक कर खा के कैसा है। हाथ गंदे हाथ यार, मेरे भी गंदे हैं वैसे, और तोड़ के। अच्छा तोड़ने का पता है कैसे तोड़ा है, यहाँ उंगली ऐसे मारी है और वो टूट गया यार, वैसे ही खा ले। मीठा तो बहुत है, मीठा है ना, गर्म है अभी क्योंकि धूप में पड़ा हुआ है, लेकिन मीठा है। लो भाई आप ही खाओ मेहरबानी, अब ना भाई आपको रंग तो चेक करवा दिए इनका, ये सही है, ये नहीं फटा हुआ, फट रहा है। ओए ये पड़ा इधर आ, ये भाई बड़ा सारा है, निकालो इसको, देखना नीचे से खराब लो, नहीं नहीं सही है, सही दाना, चलो तोड़ लो इसको, जबरदस्त है ये पड़ा, ये सही है, नहीं ये रहना, ये देख लीजिए कीड़ा घुसा, आगे देख ओ एक्स्ट्रा को तोड़ के ला रहे ले भाई, अलग ही सेटिस्फेक्शन है तोड़ने की। दिल कर रहा है तोड़ते रहो, ये देखो खराब तो नहीं, नहीं, नहीं छोटा है, छोटा हाँ छोटा, बड़ा साइज सही है, सही है, सही उठा लो यार, ये मुझे बहुत पसंद, दूसरे काले से ज्यादा ये वाला तरबूज, लेकिन वो लेकिन ये बहुत कम मिलते हैं शॉप्स पे, शहरों में ज्यादा ये मिलते हैं, इधर कोई नहीं, ये लो बस बड़े इधर ही होंगे,
अच्छा भाई ये एक और हमें नजर आया, ये भी बड़े साइज का है। सही है, तोड़ लेते हैं। चेक करो, फ्रेश 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 ऑर्गेनिक फूड कभी मिली है आपको? हफ्ता हफ्ता दुकानों पे रखे होते हैं, फिर वो भी नखरे कर करके बेच रहे होते हैं। तोड़ो, ऐसे ऐसे मुक्का मारना है आपको, बताऊं ऐसे ये टूट जाना वाकई। ये चेक कर, क्या वो सही है? ये भी सही है, वो आगे भी बढ़ा है, ये भी बढ़ा है, ये इसके ऊपर और मिला है। ये तो सही जाइंट किस्म का ना, ये चेक कर भाई। अंकल ने स्पेशल कहा कि ये तोड़ लो, अब ये तो घर इसको स्पेशल ही काटना पड़ेगा। ये भी तोड़ लेते हैं, ये चेक कर, बोटे बोटे इधर इसे तोड़ के रखते सारे, और उधर जाओ बस, और एक और तोड़ना है। काफ़ी हमने तोड़ लिए हैं, लास्ट दो हमने ये सही बड़े साइज के मिले हैं, तो दिल किया कि ये ना छोड़ के जाएं, तो इनको भी तोड़ लेते हैं, फिर हमारे ना भाई कोटा पूरा हो जाएगा। चल ये पकड़ो, सही साइज के हैं भाई, उठाने में ना एक बार बंदे की हिम्मत लगती है। हाँ ये चेक करो, चलो भाई आ जाओ, इनका हम वजन करवा लेते हैं, और यही बहुत है, अभी उधर भी काफ़ी तोड़ के रखे। पकड़ लो भाई, एक पकड़ लो, आई गया मेरे तो बस है भाई, आ जाओ भाई। ना फिर एक्सपीरियंस कैसा है? मजे का भाई, मजे का, पहली दफा इस तरह से आगे ना खेत में आगे तरबूज तोड़े हैं। सही बात है, मजा आ गया सच में। दिल कर रहा तोड़ते रहे, लेकिन भाई बड़े जब तोड़ते ना तो वजन भी ऐसे हो जाते है, करता है ना ऊपर ऐसे बढ़ जाता है। ले जी भाई, जो वाइट वाले हैं वो भी हमने तोड़ लिए, और सीन कुछ इस तरह से हैं। वो भाई अभी और भी ला रहे हैं, पीछे रखे हुए हैं काफ़ी हमने तोड़ के। आज हमारी गाय भी ऐश करेगी, अब हमारे इलाके आज हमारी चिंकी भी ऐश करेगी, चिंटू भी ऐश करे, और कितने काम ही यार धाने। अच्छा तूने एक चीज़ नोट की होगी ना, जब दुकान से लेने जाते हैं ना ऐसे ऐसे मार के चेक करते हैं, क्या पता चलता है इससे? पता नहीं कोई आवाज़ का फर्क होता है, एक वो बड़ी ना हार्ड किस्म की जो आवाज़ होती है वो एक वाइब्रेट सा करता है ये, जब मार ये ना ऐसे लग रहा है जैसे मारते हैं ना वाइब्रेशन फील होती है। इससे क्या होता है? मुझे लगता है जिससे वाइब्रेशन करती है ना वो ठीक होता है, और जिससे वाइब्रेशन नहीं होती वो कच्चा कहते हैं। नहीं पता नहीं क्या सी, नहीं यार इनको पता होगा ना, हो रहा है ना, बस करो सब बड़े बस, अब यार भी फोल ना बड़ा है भी खाना यार, बस करो जाजा जी, आया जा लेके भी जाने तक पिछू में लगता वजन ही सारा जी हो गया। नहीं कोई नहीं, हां बहुत है, नहीं बहुत है, बस करो जी बस, दिल दाने सारा होना आ गए चलो बस। तो हमने ले लिया है सारा तरबूज जो है ना, तकरीबन 4 मन है, 4 मन तकरीबन लिया है हमने, और भाई गाड़ी के ना ये देखो इतना वजन था ना, पहिए नीचे लगे हुए जुल्म है ये। इस भाई ने भाई बड़ी हेल्प की है, और भाई चैनल हमारा सब्सक्राइबर भी आपसे बन गया है, भाई कह रहा है कि वीडियो देखूंगा जब लगाओगे ना, तो ठीक है सर शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर कभी आप इधर हुए तो हम ज़रूर लेने आएंगे, हर साल होते हैं आप जी इंशाल्लाह। चल भाई ठीक है, ओके अल्लाह हाफिज़ भाई। बड़ा बड़ा मज़े का एक्सपीरियंस रहा है, ढेर ये देखो इधर इधर भी रख दिए हमने, वो ना लेते 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 वो कहते हैं ये भी ले लो ये भी ले लो, हम कहते हैं चलो ये भी अच्छा है, वो फिर ना बढ़ते ही गए हैं।
तो अभी भाई घर चलते हैं, वजन उठा उठा के ना बंदे की एक्सरसाइज हो गई है। थोड़ा जबरदस्त एक्सपीरियंस था, और जहाँ इतने ज्यादा हो ना वहाँ एक आध बंदे का जाया भी हो जाना तो वो फील नहीं होता। वो नॉर्मल तो उसने भाई ने ऐसे उंगली मार के तोड़ दिया। वो एक्सपीरियंस कर रहा था तोड़ने का, और हमें लग रहा था कि और एक तरबूज वेस्ट हो गया। वहाँ इतने बड़े थे, उनको क्या फील होना था। घर हम पहुंच गए, और पिछले दरवाजा में जो भाई लियाकत का गैरेज है ना, उधर गाड़ी खड़ी नहीं की हमने, ना ही उधर ये अभी खड़ी होनी थी, क्योंकि वजन इतना ज्यादा था ना, वो ऊपर चढ़नी नहीं थी स्लाइड से। तो अभी ये ताकत के गेट से गुजार के इधर पहले सारा सामान उतार के फिर इधर दूसरे गैरेज में आकर खड़ी करेंगे। अच्छा भाई, गाड़ी जो है ना हमने बिल्कुल समझ लो इधर बरामदे के पास आके खड़ी की है, क्योंकि वजन बहुत ज्यादा है तो एक एक दो दो करके उठाना है। अगर वहाँ खड़ी करते ना तो बड़े मुश्किल से लेके आते अंदर, तो यहाँ इजीली उतार लेंगे गाड़ी बिल्कुल, फिर जाके दूसरे गैरेज में खड़ी कर देंगे। पानी शानी पी लेते हैं, हाथ मुंह धो लेते हैं, फिर सामान सारा बाहर निकालेंगे। अभी सबको बुलाते हैं और तरबूज जो है ना निकाल लेते हैं, क्योंकि धूप में गाड़ी खड़ी है तो ये बिल्कुल हबस हो जानी है, इनको गर्म हो जाने हैं फुल। तो भाई मुनव्वर भी आ गए हैं, और अभी जो है ना भाई सारे तरबूज निकालते हैं। भाई आप सबको इसलिए बुलाया, आज ना ढेर लगा दिया जाए। चेक करो ये तरबूज उठाया कैसे जाएगा भाई, ये एक एक करके अंदर रखने हैं, इसीलिए बुलाया। ये चार मन है तकरीबन, साइज चेक करो भाई। मैं अब घर के बहुत छोटे फील हो रहे थे, फिर वहाँ थे ना काफी ज्यादा, काफी ज्यादा थे। चेक करो इधर, चेक करो भाई, इतना बाजार से बड़ी मुश्किल से मिलता है कोई एक आध दाना इतना बड़े साइज का। रखो ओए नगर, इधर रख तरबूज, इतना तो खुद है, आराम से रखे, टूटे नहीं, आराम से। इनका बहुत कुछ करना है तो देखता जा, बस आ जा और उठा। पानी का इसमें हो गया था खत्म, हीट हो गई थी ये, फिर चला गया। ये जी भाई सारे तरबूज हमने निकाल के इधर रख लिए, और ये तकरीबन भाई चार मन तकरीबन है, जिसमें सारे मिक्स। ये वाला जो तरबूज है ना, इसका वजन करके चेक करते हैं, एक तरबूज का वजन करके चेक कर लेते हैं, इसमें लगाते हैं। आओ जी, उन्होंने ना हमें चार मन के हिसाब से तकरीबन दिए हैं भाई। अभी वजन करके इसका आइडिया लग जाएगा कितना होता है। नहीं यार, 8-9 किलो होगा, 9 किलो यार, वही 10 किलो, 10.5 किलो है, 10 किलो, 10 किलो फिर सही लगाए उन्होंने, अंदाजा सही।